हमने निश्चित रूप से इस विषय पर पूर्व में जो समय सारणी थी जो प्राथमिक विद्यालयों का उसका भी अध्ययन किया और देखा कि 2013 से लेकर के 2021-22 तक 9 से 4 बजे की समय सारणी दी गई थी विभाग के द्वारा, और उसके बाद जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत आच्छादित है इसके बारे में भी पूर्व में जो आदेश दिए गए थे, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सिर्फ 2 दिन का समय चाहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, और निश्चित रूप से जो सदन की सहमति है और सदस्यों के जो विचार हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को कहा, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दें, इसको अध्ययन करके मैं निश्चित रूप से सकारात्मक मैं कह तो रहा हूँ कि इसको जरा समझ लेंगे, लेकिन इसको इसके चलते 10 से 4 मुख्यमंत्री जी बोले हैं सकारात्मक, इसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा, मैं इतना एक लाइन छूटा है ना कि घोषित किए जाने के बावजूद भी शिक्षकों के वेतन कटौती, उसका भी मैं निश्चित रूप से देख लूंगा कि अगर कहीं भी शिक्षक के साथ ज्यादती हुई है। मैंने शुरू में ही कहा कि हमने जब ज्वाइन किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरह का वातावरण था या जिस तरह के एक रस्सा कसी कह सकते थे उच्च शिक्षा में था शिक्षकों के साथ, ये तो आप जरूर मानेंगे कि धीरे धीरे वो सारे जो तापमान था भी कम हुआ, और हमने शिक्षा नीति के बारे में और जो नियमावली का जिक्र किया और कहा कि पदस्थापन के संबंध में भी हम लोग निश्चित रूप से उदारता पूर्वक या मानवता पूर्वक सभी चीज़ों को देखेंगे, तो ये प्रश्न नहीं उठता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और कुछ बातें जो हम देख लेंगे और 48 घंटों के अंदर इसको माननीय अध्यक्ष को दोनों का, लेकिन एक उसमें मेरा अनुरोध होगा माननीय सदस्य कि अगर इसमें देखिए एक तरीके किसके के साथ अन्याय हुआ कि न्याय हुआ मुझे नहीं मालूम, तो अगर कोई ऐसे अध्यापक हैं वो अलग से वो पिटीशन दे दें कि कटौती जो हुई है उचित नहीं है उसका रीज़न देते हुए, तब उसमें निर्णय पर इसको सामूहिक निर्णय ले लेना मुश्किल होगा। अगर व्यक्ति विशेष के साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो उसको आपको अलग से पिटीशन इस तरह के 10-5 जो भी हैं आपको अलग से दे दें, तब उस पर हम समीक्षा करवा करके उसको भी एक सप्ताह के अंदर निष्पादन कर देंगे, और दूसरे वाले का जो समय सारणी का 48 घंटे के अंदर हम कर देंगे। आप बताना चाहेंगे